फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति शर्मा और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको लेकर आई हूं डेली स्किन केयर रूटीन। ये बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी, सब मेरे से कह रहे थे कि आप अपना डेली स्किन केयर रूटीन दिखाओ। तो आज मैं आपके लिए डेली स्किन केयर रूटीन का वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे इस वीडियो को लाइक कर लें और जो बेल आइकन का बटन है उसे जल्दी से प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करने वाली हूँ डेली स्किन केयर रूटीन। जैसे कि बहुत ज्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं डेली स्किन केयर रूटीन दिखाऊं, तो अभी ये नाइट का टाइम हो रहा है, मैं नाइट स्किन केयर रूटीन दिखा रही हूँ अभी। इसके बाद मॉर्निंग का भी मैं आपको बता दूंगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन क्लीन लगे, ग्लो करे और आपका जो फेस है वो बहुत सुंदर दिखे, ब्यूटीफुल लगे, तो मेरे इस वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे फेस पे भी पूरा मेकअप है, तो सबसे पहले मैं अपना मेकअप रिमूव करूंगी। तो मेकअप रिमूव करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ एलोवेरा जेल। तो थोड़ा सा मैं एलोवेरा जेल ले लूंगी हाथ में। अब इसको मैं अपने पूरे फेस पर लगा लूंगी अच्छे से, जिससे कि फेस पे पूरे अप्लाई करने के बाद जो मेरा मेकअप है वो पूरा अच्छे से रिमूव हो जाएगा। इसकी जगह अगर आपके पास क्लींजिंग मिल्क है तो आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी मेकअप अच्छे से रिमूव हो जाता है, बट मैं एलोवेरा जेल ज्यादा प्रेफर करती हूँ। एलोवेरा जेल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अपने पूरे फेस पे लगा लिया, तो अब हम टिश्यू पेपर से इसको पूरा मेकअप रिमूव करेंगे। तो ये मैंने टिश्यू पेपर ले लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तो मैंने अपना पूरा फेस क्लीन कर लिया है एलोवेरा जेल लगा के। मैंने टिश्यू पेपर से पूरा मेकअप जो है वो मेरा आप देख सकते हैं पूरा रिमूव हो चुका है। तो अब हम अपने फेस को वॉश कर लेंगे। किसी भी फेस वॉश से आप अपने फेस को इसके बाद वॉश कर लें। तो यहाँ पर मैंने फेस वॉश कर लिया है। जो भी फेस वॉश आप यूज करते हैं उसे, तो इसके बाद अब मैं टोनिंग के लिए यूज करने वाली हूँ रोज वाटर। तो मैं थोड़ा सा रोज वाटर यहाँ पे कॉटन पैड है मेरे हाथ पर, थोड़ा सा कॉटन पैड में ले लूंगी, अच्छे से ले लें रोज वाटर को कॉटन पैड में। पूरा मैंने इसमें अच्छे से रोज वाटर ले लिया है और इसको अपने फेस पर अप्लाई कर लें। तो टोनिंग हम कर चुके हैं, जैसे कि रोज वाटर हमने अपने फेस पर अप्लाई किया था तो उसको हमने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। तो अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और मेरा फेस पूरा अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अब हम लगाएंगे सबसे लास्ट स्टेप हम करेंगे वो है मॉइस्चराइजर। तो जो भी मॉइस्चराइजर आप यूज करते हैं उसको आप अपने फेस पे अप्लाई करें। तो मैं ये वाला यूज कर रही हूँ, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसको आप जाके देख सकते हैं कि ये मॉइस्चराइजर कैसा है। तो अब मैं इसको अप्लाई करने वाली हूँ। तो इसको हम ले लेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर मैंने इसको ले लिया है और अब हम इसको अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। इसको अपने फेस पर अच्छे से लगा लें और 2 से 3 मिनट्स मसाज करें अपने फेस पे अच्छे से। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपने कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको डेली स्किन केयर रूटीन का वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।